to see you after such a long time. And thank you Apnale, thank you Gitanjali, thank you all of you. तो आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ? आप you can send thumbs up, you can yes sir, chat. Yes sir, we can hear you. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपना अड्डा के ऊपर। और मैं इस अपने अड्डे में आज एक कहानी लेके आया हूँ आपके पास। विजय दान देता साहब की कहानी है राजस्थानी फोक ट्रेडिशन से। तो ये कहानी है एक बहुत इसे कहते हैं ज्ञानी राजा और उसके एक बड़े चतुर मंत्री की, और कैसे उस ज्ञानी राजा और चतुर मंत्री ने जब एक आम मामूली बुढ़िया से मुकाबला किया तो क्या वहां पे हुआ, ये है इस कहानी का सार। तो हम कहानी शुरू करते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आपको कोई अच्छी चीज़ लगे तो आप चैट पे खूब से वाह लिखिए, तारीफ कीजिए, ताली बजाइए। सारा सहरा जो है तारीफ का वो विजय दान देता के सर पे जाएगा। तो एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में राजा भोज पूरी नगरी के ऊपर, राज्य के ऊपर राज करे। अजी अकल सौ उजागर, ज्ञान का सागर, शीलवंत, कलावंत, पंडित, ज्ञानी, प्रजा रक्षक, ऐसा राजा तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं था। रात को पूरी रियाया में निकलता था, टोह लेता था, सबके दुख हरता था, सबके दुख पे मरहम मलता था। पूरे राज्य में हर कोई उसको बाप के समान समझता था, किसी को किसी से कोई भय नहीं था, जिसका जब मन चाहे राजा के पास चला आए। जी राजा ऐसा मशहूर था उज्जैन का राजा भोज। ये लोग कहा करते थे कि राजा भोज के दरबार में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, शीलवंत, कलावंत, पंडित, जो जहां भी हों, वो सबसे ज्यादा राजा भोज के दरबार में नजर आते हैं। अजी राजा भोज के दरबार के पंडित, ज्ञानी, शीलवंत, कलावंत तो छोड़ो, अरे उस राज्य के अंदर चिड़िया जनावर भी चतुर नजर आवे है। अजी चिड़िया जनावर तो चतुर छोड़ो, उस राज्य के अंदर पत्थर, कंकुरी, ठिकुरिया भी बहुत तेज दिखाई दे रहे हैं। तो राजा भोज का पूरे राज्य में इस तरह यश फैला हुआ था। एक दिन भरे दरबार में शीलवंत, कलावंत, पंडित, ज्ञानी, सारे दरबारी बैठे हुए, राजा भोज के मन में एक मासूम सा सवाल अंकुरित हो गया। उन्होंने पूछा, ज्ञान का खास ठिकाना कहाँ है? ज्ञान का खास ठायो कि किथे है, कठे है? ज्ञान की फुलवाड़ी, ज्ञान का कुंज, ज्ञान का बगीचा कहाँ है? अब सारे दरबारी जिन्होंने राजा का नमक खाया हुआ था, सब एक सुर में बोले, महाराज यही है, यही है, यही है। गर बर रूए जमीयस, गर फिरदौस बर रूए जमीयस, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस, यही है। और साहब भांत भांत की मिसाल देकर सारे दरबारी राजा को अलग अलग तरीके से समझाने लगे। कहने लगे, हुजूर अगर ज्ञान का ठिकाना, ज्ञान का कुंज कहीं है तो सबसे पहले इस दरबार में है, उसके बाद इस दरबार के बाद ये किले और इस महल के अंदर है, इसके बाद अगर कहीं बाहर है तो उसके बाद हम गरीबों की हवेली पे है। सच है, ज्ञान और कला उसी के पास हो सकती है जिसके पास सत्ता और धन है। निर्भय गरीब लोगों के पास ये चीजें नहीं हो सकती। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास धन है, उसी के पास ज्ञान और उसके पास कला है। और साहब जब भांत भांत करके उन्होंने दुनिया भर की मिसालें दी, सबने एक सुर में जब एक ही राग अलापा, राजा बाध्य हुआ, बेवस हुआ। उसको मानना पड़ा कि हाँ, ज्ञान का अगर खास ठिकाना कहीं है तो वो यहीं मेरे दरबार के अंदर है। अभी ये सब बातें चल रही थी कि एक माली बेचारा बड़ी देर से वहां दरबार में खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़ के कहा, अन्नदाता। जैसे ही अन्नदाता कहा, राजा भोज ने फौरन टोका, 1000 बार मना किया है हमें, अन्नदाता मत कहा करो, हम तो सिर्फ ग्वाले हैं, चरवैया हैं, ये प्रेम प्यारी जो हमारी प्रजा है खाली इसको चरा रहे होते हैं। माली ने माफी मांगी, कहा जाते जाते छूटते छूटते छुटैले राजा, इतनी पुरानी रीत है ये। खैर, उसने कहा क्या बात है? कहा, हुजूर मैं बड़ी देर से इस दरबार में सुन रहा हूँ ज्ञान का कुंज, ज्ञान का बगीचा, ज्ञान का ठिकाना। सच कहूँ, ज्ञान का कुंज ना आज तक किसी ने देखा है, ना कोई इसके बारे में जानता है, और जो चीज़ ना कोई जानता है ना किसी ने देखा है उसके बारे में बात करना मूर्खता है। हाँ, अगर कुदरत के नज़ारे देखने हैं, अगर कुदरत का सौंदर्य देखना है तो आप आइए, पधारिए मेरे बगीचे के अंदर, मैं आपको इसी के लिए आया था यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए। अब जो राजा भोज ने सुना, वो जो फौरन तैयार हो गए, कहने लगे हाँ बिल्कुल। और उन्होंने अपने माघ पंडित, उनके जो वजीर था, माघ पंडित वजीर को लिया, और राजा भोज, माघ पंडित दोनों जो हैं उस माली के साथ उसकी जो फुलवाड़ी है वो देखने निकल गए। उज्जैन नगरी से 5 कोस की दूरी के ऊपर बाहर वो बगीचा था। जब वो बगीचा पहुंचा तो साहब वो बगीचे में वो खुशबू, वो पाक, वो फूल, वो तरह तरह की क्यारियां, ऐसा लगता था कि धरती जो है वो सौंदर्य करके, श्रृंगार करके उसी आंगन में आके नाच रही है। अब जो राजा भोज ने इतना खूबसूरत बगीचा देखा भैया वो तो सुदबुद खो बैठे, लगे नाचने वहीं पर दनादन दनादन। लेकिन माघ पंडित चतुर था, जीरक आदमी था, उसने घड़ी पर नजर रखी हुई थी, दरबार वापस भी जाना है, बीच बीच में याद दिला रहा था राजा को। जब 2-3 घंटा राजा खूब नाच लिए उसके अंदर, बगीचे के अंदर, तो माघ पंडित ने कहा जी अब घर चलने का टाइम हो गया। अब दोनों जो है वो घर चलने का समय हुआ, दोनों लोग निकले वहां से। निकले तो माली ने बहुत नम्रता के साथ जो है ये उसने कहा कि हुजूर अगर आप रास्ता ना भूल जाएं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको राजमहल तक छोड़ाता हूँ। उस पर बमके बिगड़े, कह लगे उज्जैन नगरी का राजा कौन है? कह लगे जी आप। कह लगे यहाँ बगीचे का राजा कौन है? कह लगे जी आप। कि बगीचे से लेके राजमहल तक का राजा कौन है? कह लगे जी आप। कह लगे अबे जब हम सब चीज के राजा हैं तो हम रास्ता भूल जाएंगे। अब साहब माली की क्या 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 औकात, क्या बिसात की राजा से बहस लगाए। उसने कहा जी नहीं बिल्कुल, और उसने साहब नमस्ते किया, सलाम किया, खुदा हाफिज किया, निकला वहां से। अब ये दोनों आदमी राजा भोज और माघ पंडित जो आगे निकले तो उन्होंने 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा, लगता है कोई आ गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, लेकिन आज बीच सेशन में आ गए। कितना पैसा हुआ? पैसा कितना हुआ? 590। तो तुम छोड़ दो बस ना, हो गया तुझे साइन वाइन तो चाहिए ना? ओ ये लो सर, I had muted you. Can you please unmute yourself? Thank you. माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था और हम तो राजा भोज है नहीं। अब वो गैस का सिलेंडर आ गया तो अब उसको पैसा भी देना है, गैस का सिलेंडर भी लेना है। तो कहानी कहाँ पहुंची थी जरा मुझे याद दिलाएं। कि माली ने कहा कि मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, राजा भोज ने कहा कि हम यहाँ से वहाँ हर जगह के राजा हैं, कि हम रास्ता भूल जाएंगे। अब साहब जब वहाँ से निकले, आधे कोस मुश्किल से 1 कोस आगे निकले होंगे, रास्ता भूल गए दोनों आदमी। हैं भैया गेहूं का खेत तो ये रास्ते में आया नहीं था पहले। अब साहब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बगले झाँक रहे हैं, रास्ता पता ही नहीं चल रहा है। दूर देखा साहब कि एक खेत की मुंडेर पे एक डोकरी, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, चिड़िया हगा रही है। उसके पास पहुंचे और कहने लगे माई राम राम, झुक झुक जियो। कहले माई ये रास्ता किधर जाता है? बुढ़िया ने अपनी पोपली मुस्कुराहट से देखा ऊपर और कहा बेटा रास्ता तो कहीं नहीं जाता, हाँ रास्ते के ऊपर चलने वाला राहगीर अलबत्ता कहीं जाता है। दोनों बिल्कुल सक पकाए, लेकिन अच्छा ठीक है माई तो ये बता हम राहगीर हैं, ये रास्ता कहाँ जाएगा? उसने कहा ना बेटा, पाट रहा बटा हुआ पात पे पथिक वो तो दूजा दोए, तुम दोनों नहीं हो। उन्होंने कहा जी कौन है पात पे पथिक, राहगीर कौन है? कहने लगे बेटा एक तो सूरज और एक चांद, दोनों रात दिन गर्दिश करते हैं आसमान पे, अपने पात पे चलते हैं, पात पथ से जो है अपने हटते नहीं है, वो है पात पे पथिक। कहने लगे अच्छा तो माई तू ये समझ ले कि हम मेहमान हैं यहाँ पे? कहने लगे ना बेटा, मेहमान तो दूजा दोए, एक जोबन और दूसरा धन, दोनों जो हैं वो आवे हैं और कब चले जावे हैं पता भी ना चल पाए हैं, वो हो वह हैं असली मेहमान। अब तुम बताओ कि बेटा तुम कौन हो? कहने लगा माँ अच्छा तू ये समझ ले हम तो परदेसी हैं। मैंने कहा ना बेटा, परदेसी तो दूजा दोए, एक तो जीवा और दूसरा हवा, अरे पवन तन से लग के जावे है कोई ना देख पाए है, प्राण तन से निकल के जावे है कोई ना देख पावे है, और एक बार प्राण और पवन दोनों निकल जावे तो वापस पलट के ना आवे हैं, यही हुए हैं असली परदेसी। अब सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? तो वो दोनों बोले माई अच्छा तू ये समझ हम तो निर्धन है, गरीब है। उससे करना बेटा निर्धन गरीब तो दूजा दोए, एक गाय का बछड़ा और दूसरा बिन बिहाई बेटी, दोनों जब बड़े हो जावे हैं वो बैल बन जावे है, उसको बेच दिया जाए और किसी और के खेत में जाके हल जोते हैं, और बेटी जब बड़ी हो जाई है तो उसको पराए यहाँ विदा कर दिया जाए है, किसी और के घर में जावे है, दोनों किसी और के यहाँ पराए होके रहे हैं अब, और उसको अपना समझे हैं। इससे बड़ी निर्धन, इससे बड़ी गुर्बत क्या हो सकती है? अब ये बताओ बेटा कि तुम दोनों कौन हो? अब राजा को मजा आने लगा, उसने कहा बुढ़िया का इम्तिहान लेना चाहिए। तो उसने कहा माई हम दोनों तो ठग हैं। उसने कहा ना बेटा, ठग तो दो ही दूजा, एक ठाकुर और राजा, दूसरा साहूकार। अरे किसान मेहनत करे है, खेत पे फसल उगाए हैं, लेकिन जब खेत की कटाई का मामला आवे है तो सारी उसकी कटाई, सारी उसकी फसल जो है राजा और ठाकुर गट 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 करके उसको डकार जाए है और डकार भी ना मारे है, उसको गट जाए और डकार भी ना मारे है। और साहूकार एक का 21 करे है, दूसरे की संपत्ति हड़पे है, हिसाब में वही खाते में गड़बड़ करे है। अरे इनसे बड़ा ठग कौन होवे है? एक तो राजा और दूसरा साहूकार, यही है सबसे बड़े ठग और पूरी दुनिया में महापुरुष कहलाए जावे हैं। अब सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? अब राजा को लगा कि हाँ इसके अंदर तो और मजा आ रहा, तो उसने कहा नहीं माई हम तो मस्त हैं। उसने कहा ना बेटा, मस्त तो दो ही दूजा, एक तो भक्त और दूसरा ज्ञानी। अरे जो बिन पिए मदिरा चढ़े और जिंदगी भर जिसका नशा ना उतरे वो है असली मदिरा, वो है असली नशा। ये दुनिया की मदिरा तो वो तो 2-4 घंटे में उतर जावे है। भक्त, भक्त के अंदर जो भक्ति का सुरूर चढ़े है तो फिर वो अंधभक्ति की तरफ चले है, और ज्ञानी जब ज्ञान की मदिरा पिए है तो उसका नशा जिंदगी भर ना उतरे है, ये है असली नशा। अब तुम बताओ लंपट बिल्कुल मस्त बने हो ना, तो तुम झूठ जाने ना सच जाने, सही बताओ कि तुम दोनों हो कौन? उसने कहा माई हम तो झूठे हैं। उसने कहा ना बेटा, झूठा एक तो साधु, दूसरा नास्तिक। एक भगवान कहे मैं जानू हूं और दूसरा भगवान का सिरे से इनकार करे है। अरे जो झूठ को सच बना के हर जगह बजाए वही सबसे बड़ा झूठा। तो ये साधु झूठा और ये नास्तिक झूठा। अब तुम सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो, क्योंकि तुम तो ना सच जानो ना झूठ जानो, खाली मस्खरी जाने हो। अब जो राजा ने सोचा कि भैया कहाँ ज्ञान का ठिकाना, ज्ञान का ठिकाना। हर आदमी इतने बड़े बड़े सीलवंत, कलावंत, पंडित, ज्ञानी दरबार में बैठे हुए थे। हर आदमी कहता था कि ज्ञान का ठिकाना यहाँ राज दरबार में है, और ठिकाना ज्ञान का मिला तो कहाँ जाके मिला? इस बुढ़िया के चरणों के अंदर। भाई साहब ये दोनों ऐसा राजमहल का रास्ता भूले कि लगा ज्ञान और विद्या का मार्ग भी भूल गए। अब जो साहब बिल्कुल दोनों विवश हुए, तो राजा जो है उसने कहा माई हम तो पराजित हैं। उसका ना बेटा पराजित नहीं, पराजित तो दो ही दूजा है, समझी? एक तो ऋणी कर्जदार और दूसरा बंधवा मजदूर। अरे जो सारा जीवन अपना उधार उतारने के चक्कर में काट दे, उससे बड़ा पराजित कौन हो सकता है? आदमी पहाड़ का बोझ उठा सकता है लेकिन ऋण का बोझ नहीं उठा सकता, कर्जे का बोझ नहीं उठा सकता। अब सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? अब माघ पंडित अपने दिल में ये सोच रहा कि सुबह से शाम हो गई, हम सब इस बुढ़िया की बकवास सुन रहे हैं, हमसे ज्यादा धैर्यवान हमसे ज्यादा कौन हो सकता है? उसने कहा माई हम धैर्यवान हैं। उसने कहा ना बेटा, धैर्यवान तो दो ही दूजा, एक तो धरती दूसरा वृक्ष। अरे धरती के सीने पे हल चलावे हो तुम, तब भी वो तुमको अनाज देवे है। धरती का सीना चीर के उसके अंदर छेद करे हो, तब भी वो तुमको शीतल जल दे है, हीरे दे है, सोने दे है, चांदी दे है। अरे इससे बड़ा धैर्यवान कहीं तुमने देखा है? और वृक्ष, वृक्ष के ऊपर पत्थर मारो तो वो मीठा फल गिराए है। वृक्ष को अगर तुम काट भी दो तो ईंधन का काम करे है और तुम्हारे घर को गर्म रखे है। अरे इससे बड़ा धैर्यवान दुनिया में कोई नहीं है, एक धरती दूसरा वृक्ष। अब सच सच बताओ कि तुम दो एक कौन हो? अब राजा ने सोचा कि इतनी ज्ञान की बात तो सन्यासी ही कर सके है। कहा माई हम भी सन्यासी हैं तेरी तरह। उससे कहा ना बेटा, सन्यासी तो दो ही दूजा, एक संतुष्ट और दूसरा निपट अनजान, जो जिसको किसी चीज का लोभ ना हो, ना ज्ञान का, ना मदिरा का, ना ज्ञान का, ना सत्ता का, ना मदिरा का, ना औलाद का, किसी चीज का मोह ना हो दुनिया में, वो पूरी तरह से संतुष्ट है, वो असली सन्यासी है। और जो निपट अनजान, जिसको कुछ नहीं मालूम है, वो भी पूरी तरह से संतोष है। तो ना तो तुम निपट अनजान हो ना तुम संतोषी हो। अब सच सच बताओ कि कौन हो? अब जो है माघ पंडित को गुस्सा आने लगा। उसने कहा माई अरे हम मूर्ख हैं जो सुबह से शाम तक तेरी बातें सुन रहे हैं और तू हमें रास्ता नहीं बता रही है। अब जो माघ पंडित ने ये कहा तो बुढ़िया ने कहा हैं क्या बोला मूर्ख? अरे तो पहले क्यों ना कही, सुबह से शाम मुझे अपनी बकवास की घास खिलाई। अब मैं जानू तुम ही तो हो मूर्ख, मूर्ख तो बेटा इस राज्य में दो ही हुए हैं, एक राजा भोज और दूसरा माघ पंडित। अरे जो राजा अपने आप को भगवान समझे है उससे बड़ा मूर्ख कौन है, और जो पंडित माघ पंडित जो उसका वजीर जो उसका मंत्री वो उसको बार बार यही वरगलाए है, उसके अंदर यही झूठ भरे है कि हाँ तुम ही भगवान हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन। तो असली मूर्ख तो बेटा यही है, जिसने दरबार की खाई होगी वो इन दिनों को बड़ा समझता होगा। हम तो अपनी अकल लगाते हैं, अपनी आंख अपनी कान से देखते हैं, अपने हाथ की खाते हैं, इसलिए हम इनकी मूर्खता में नहीं पड़ते। अब ये सुनना था तो राजा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन माघ पंडित ने कहा अभी इस बुढ़िया का इम्तिहान लेते हैं, पता लग जाता है कि झूठ का झूठ और सच का सच क्या है। बुढ़िया ने मुस्कुरा के कहा, हैं मुझे इम्तिहान देने की क्या जरूरत है? अरे जो अपने ज्ञान को जताना चाहता है जरूर उसके अंदर कोई स्वार्थ है, जो असली ज्ञानी है उसको अपना ज्ञान जताने का स्वार्थ नहीं है। लेकिन हाँ तुम जो पूछना चाहो वो पूछो, मुझे जो मालूम होगा मैं बता दूंगी। वैसे इतने बड़े अपार संसार को एक मनुष्य क्या जान सकता है, खाली जानने का भ्रम ही रख सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी।